मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट देखें, यहां पर मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोगों के साथ बातें हुई थी। अब मुगल साम्राज्य की जो टॉपिक है उसको लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आप लोगों का पहला शासक था, शासक के रूप में जो याद किया जाता है मुगल साम्राज्य के, वो कौन है? बाबर की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं, यानी जो शासक के रूप में बात करते हैं हम लोग बाबर। तो देखिए यहीं से क्या होता है, बाबर के यहाँ से जो होता है मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल बाद में बात करने वाले बाबर के बारे में। बाबर के बारे में हम लोग बात करें तो पार्टिकुलरली जो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति है जन्म, तो देखिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा जन्म को जो है। यहाँ पर देखिए 14 फरवरी जो है आपका, 14 फरवरी का आप जानते हैं बहुत विशेष तथ्य होता है उस दिन, और 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जो हुआ था स्टूडेंट्स, वो किसका? बाबर का उसी दिन जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि कभी पूछा नहीं है किसी एग्जाम में। 14 फरवरी 1483 को हुआ था, और ये देखिए जो मुख्य रूप से जो थे वो फरेना के थे। ठीक है, कहाँ के थे? फरेना पड़ता कहाँ है ये आपका, मैं थोड़ा सा बता दूँ आप लोग को, एक मैं छोटा सा ही है। देखिए ये अगर हम लोग बात करते हैं पार्टिकुलरली लेकर बात करते ही, अगर सपोज कीजिए कि आपका भारतवर्ष है तो यहाँ पर जानते हैं कि आपका अफगानिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, अफगानिस्तान की बात होती है, तुर्किस्तान की बात होती है, तजाकिस्तान की बात होती है, तो जस्ट इधर ही कहीं क्या है आपका? फरगना है। ठीक है, तो फरगना का देखिए ये सब मुख्य रूप से थे। अब यहाँ पर जो बात होती है यहाँ पर, और जानते हैं कि ये मंगोल वंशज थे ना, ये कोई बहुत ज़्यादा विशेष मुख्य रूप से नहीं है, मंगोल वंशज के रूप में ये लोग याद किए जाते हैं, जो बाद में इन लोगों ने क्या किया था, इस्लाम को कबूल लिया था, तो इस्लाम के रूप में ये लोग हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है मुख्य रूप से लेकर, अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बनता है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जो था वो बाबर का पूरा नाम था। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम इम्पोर्टेंट है आप लोग का, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, तो ये बाबर का पूरा नाम था। ठीक है, बाबर को देखिए डिस्टेंस, पहली बात है कि ये तो पहली बार फरगना में था, तो इसको इंडिया में आने की क्या जरूरत थी या क्यों भारत में आया, क्या वजह थी उसके पीछे? तो जाहिर सी बात है जानते हैं, जितना भी जो हम लोगों का बवाल हुआ है आप भी जानते हैं कि हम लोगों का जो केंद्र शासित राज्य है वो क्या है भाई, अगर देखते हैं तो हम लोग के देश का जो पूरा सेंटर है मुख्य रूप से वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली हमारे देश की क्या है? राजधानी है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग के मुख्य रूप से बात जो होती है कि दिल्ली जो राजधानी है, भारतवर्ष की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली है, और दिल्ली की गद्दी को लेकर जितना बवाल होता था मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, तो उस समय जो था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्टेंस वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के अधिकार में ये गद्दी थी, लेकिन इब्राहिम लोदी का जो था वो उसका जो कार्यकाल था, तो उसके शासक में ही जो भी प्रजा था उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी, उसके जो कहते हैं उसके जो मुख्य रूप से दरबारी में भी बहुत से लोग उसके पक्ष में थे। तो इब्राहिम लोदी का देखिए विवाद था, जो इसके चाचा वगैरह हैं तो उन लोग की बात होती है, आलम खान लोदी की बात होती है या राणा सांगा की बात होती है, तो इन सभी लोगों को मुख्य रूप से नाम जाता है जिन लोगों ने ये इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो राणा सांगा का नाम उसमें आता है आप लोगों का। ठीक है, और दूसरा जो पहला आपका नाम आता है आलम खान लोदी। ठीक है, वो क्या था? ये इब्राहिम लोदी के चाचा के रूप में बात होती है, तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा था उसने ही बाबर को निमंत्रण दिया हुआ था, कहाँ पर आने के लिए? भारत में आने के लिए और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो ये थोड़ी सी बातें थी, ये तो बहुत विशेष बात नहीं है। तो ये आमंत्रित किया हुआ था किसने? तो ये देखिए बात इंपॉर्टेंट थी रिलेशन आप लोगों की। अब यहाँ पर तो जन्म हो गया ना, यहाँ पर तो जन्म की बात हो जाती है यहाँ पर आप लोगों की। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो बातें तो यहाँ से आप लोगों की आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग इस बात को यहाँ पर सेट आते हैं, मंगोल वंशज की बात हो गई, फरगना की बात करी, फरगना के शासक तो था ही, और मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जो है ये तो इसका नाम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब ये इसका जन्म हो गया तो फिर यहाँ पर देखिए इंडिया में जिसको आमंत्रित किया गया, तो ये पहली बार जब ये मुख्य रूप से देखिए जो कार्यकाल है 1526 से 1530 तक का ये। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1526 से 1530 तक का कार्यकाल रहा है।
तो बुलाया किस उद्देश्य से, क्या था? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए देखिए पहला जो जगह डिसाइड किया गया पानीपत, ठीक है दोस्तों, पानीपत का एक जगह है, ये हरियाणा में पड़ता है आप लोगों का। तो पानीपत की जगह डिसाइड किया गया जहां पर इनके युद्ध का निर्णय किया गया कि इनका युद्ध यहीं पर किया जाएगा। तो पानीपत की देखिए प्रथम लड़ाई, ठीक है दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई के रूप में इसको याद करते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए जो लड़ाई हुई पहली, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जीरोसस किसके बीच में हुई थी, याद रखिएगा बाबर के बीच में, बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है दोस्तों। जिसमें कि जाहिर सी बात है कि जब अपने ही धोखा देंगे तो कोई भी आपको हरा देगा। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को इसमें, इब्राहिम लोदी जो था वो बाबर की सेना का इसने सही अनुमान नहीं लगा पाया, तो जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की है इसमें बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई थी, ठीक है। 21 अप्रैल को एसोसिएशन युद्ध हुआ था, ठीक है, 21 अप्रैल ना 1526। तो यहाँ पर देखिए पहला याद रखिएगा, ये पहली लड़ाई है आप लोगों की ना, पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो यहाँ पर याद रखते हैं हम लोग कि बाबर जो चार लड़ाई लड़ा था, कितनी लड़ाई लड़ा था, चार, इसमें से देखिए पहला जो उसका लड़ाई है बाबर ने किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। और चारों ही युद्धों में जो बाबर किया है वो विजय हुआ है, और बाबर को तो जानते ही आप, ये संस्थापक के रूप में तो है ही, यानी संस्थापक के रूप में जो है, जो मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को तो याद किया ही जा रहा है, किसके संस्थापक के रूप में, जो आप लोग का चल रहा है मुगल साम्राज्य की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानीपत की प्रथम लड़ाई ली गई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो गई, पराजय हो गई। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, चार जो युद्ध हैं बाबर ने जो जो युद्ध लड़े हैं उन चारों युद्धों की बात होती है यहाँ पर। चारों युद्धों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों युद्ध जो है ये हमेशा एग्जाम के दृष्टिकोण से जो रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बात तो हो गई पहले युद्ध की, अब हम लोग बात करते हैं हम लोग सेकेंड युद्ध की। पहला युद्ध तो हो गया आपका, अब जो सेकेंड होगा भाई 1526 से 1527 में होगा। तो ये आपका जो होगा 17 मार्च को किया गया और 1527 ईस्वी को हुआ, ठीक है। ये दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए 17 मार्च 1527 हुआ और ये द्वितीय युद्ध है, किसका, बाबर का द्वितीय युद्ध है, लेकिन किसके बीच में हुआ था, और ये देखिए बाबर तो उसमें मुख्य रूप से रहेगा ही रहेगा, और राणा सांगा के मध्य हुआ था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा ने सोचा कि चलो भैया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए व्यवस्था बनाते हैं हम लोग, या इसने भेंट किया, निमंत्रण किया, उसको पसंद आया, उसको बुला लिया। अब देखिए क्या हुआ, इनका जो उल्टा की दाब इन्हीं के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैटर फंस गया। अब मैटर फंसने का मतलब क्या है, जिसने बुलावा दिया उसी को हारना पड़ गया। तो यहाँ पर डीएसओ देखिए 17 मार्च 1527 को जो है वो खानवा का युद्ध हुआ है, ठीक है, खानवा का युद्ध, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएसओ, ये भी इंपॉर्टेंट जो युद्ध है आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 21 अप्रैल 1526 पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच, और ये जो खानवा, इसे खानवा के युद्ध लोग कहते हैं, और इसमें भी जो था बाबर की विजय हुई, यानी राणा सांगा की जो थी इसमें भी पराजय हुई, ठीक है। तो 1526 में हुआ, 1527 में हुआ, फिर आपका 1528 में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं 1528 की ओर। तो देखिए यहाँ पर डेट टेबुलेट देखिए 29 जनवरी जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1528 में हुआ, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट युद्ध है कि मेदिनी राय के बीच में हुआ था, यानी बाबर तो था इसमें, ठीक है, बाबर और किसके बीच में हुआ था, मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है दोस्तों, मेदिनी राय के बीच में। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो मुगल साम्राज्य जो है अपने जो उनका पूरा का पूरा सेना थे, सैनिक थे, और उनकी जो सल्तनत है, उस सल्तनत को अपने वो क्या कर रहे हैं, आगे की ओर तो बढ़ा ही रहे हैं। अब धीरे धीरे उनका फैलाव पूरे बड़े पैमाने पर तो हो ही रहा है, किसका, मुगल साम्राज्य का देखा जाए तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 29 जनवरी 1528 को तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, तो इसमें यहाँ पर देखिए इसको चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है, चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये इब्राहिम लोदी के हारने के पीछे बहुत बड़ा कारण था कि बाबर के पास तो खानों का जब उसके पास व्यवस्था थी वो उसके पास अच्छी खासी थी। तो 29 जनवरी 1528 को जो था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, और इसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा पहला जो था आपका यहाँ पर जो
पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा जो है खानवा का युद्ध, और तीसरा जो है आपका चंदेरी का युद्ध, और चौथा जो होगा आपका घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पर चार युद्ध जो है बाबर के महत्वपूर्ण रूप से आपके याद किए थे। 2900 ही हो गया, 1528 को बाबर और मेदिना के बीच में। और जैसी बात है जो चौथा युद्ध हुआ यहाँ पर इसका, बाबर का जो युद्ध किया गया, बाबर ने जो चौथा युद्ध लड़ा वो अफगानों के साथ युद्ध हुआ इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चौथा युद्ध हुआ है। तो यहाँ पर बात होती है, देखें यहाँ पर चौथा युद्ध की बात होती है, तो जो चौथा युद्ध आप लोगों का हुआ यहाँ पर इसका जो लड़ा गया बाबर ने अफगानों के साथ देखिए युद्ध लड़ा। तो देखिए 1529 जो आपका ड्यूशन यहाँ पर डेट आता है, उसके किसके मध्य था, ये बाबर के मध्य था और इसके मध्य था अफगानों के मध्य था। देखिए अफगान जो थे इनका देखा जाए तो अब तो जान ही रहे कि ये तालिबान हो चुका है ना, अफगानों के मध्य था। तो अफगानों के देखा जाए तो कुछ विशेष रूप से जो थे कोई उनके सरदार नहीं होते थे मुख्य रूप से, हाँ उन लोग अपने में ही चुनाव करके कि हाँ अफगानों के जो सैनिक थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से थे, लेकिन उनका कोई पार्टिकुलर जो था वो नहीं मुखिया होता था, ठीक है। तो ये जो 1529 में जो हुआ था वो 6 मई को हुआ था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के मध्य युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अफगान अफगानिस्तान के जो थे लड़ने वाले अफगान के लिए, तो अफगानों के मध्य लड़ा गया था, और ये जो था वो घाघरा का युद्ध कहते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध, घाघरा का। देखिए ये जो प्लेस होता है उसी प्लेस के नाम पर ही युद्ध का नाम पड़ता है भाई, यहाँ पर चंदेरी, चंदेरी का प्लेस है वहाँ पर युद्ध लड़ा गया, खानवा है वहाँ पर लड़ा गया, और यहाँ पर तो पानीपत जानी रहे प्रथम युद्ध, और चौथा जो है आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट यहाँ पर, याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला हुआ जिसमें कि बाबर की विजय हुई, दूसरा बाबर और राणा सांगे के बीच में हुआ खानवा का युद्ध जिसमें फिर क्या हुई, फिर बाबर की विजय हुई, 29 जनवरी 1528 में जो था बाबर और मेदिना के बीच में हुई, चंदेरी का युद्ध था इसमें भी बाबर की क्या हुई, विजय हुई, और 6 मई 1529 को जो था बाबर और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध, और इसमें भी जो थी वो बाबर की विजय हुई। यानी 26, 27, 28, 29 26, 27, 28, 29 चारों ही समय में जो था बाबर की चारों युद्धों में विजय हुई थी। चारों इससे जाहिर सी बात है कोई संस्थापक है तो वो समझ लीजिए कि कितना ज्यादा मजबूत करके दिया, यानी कितना स्ट्रांग हुआ यहाँ पर। यानी यहाँ पर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य बहुत थी अपने चरमों उत्कर्ष प्रारंभ किया, यानी उसने अपनी प्रारंभिक जो जैसे कहते हैं कि बैटिंग अगर कोई कर रहा था पहले ही ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर दे, स्टार्टिंग पावर प्ले में अच्छा खासा खेल लिया तो जबरदस्त मुक्का बन जाता है, तो सेम यही काम इसने वहाँ पर किया है, बहुत ही जबरदस्त इसने व्यवस्था बनाकर दी। तो ये चार युद्धों के बाद देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से बात आती है, तो जाहिर सी बात है कि जब चार युद्ध समाप्त हुए तो 1526 से 1530 तक का कार्यकाल है, जिसमें कि 1530 में तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर मृत्यु की बात आती है। तो यहाँ पर डिवेशन देखिए जब यहाँ पर युद्ध तुरंत गए चार, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर 1483 से भी आप देखें तो 17 साल इधर आपका गया, ठीक है। फिर उसके बाद 30 साल आपका लगभग इधर जा रहा है, तो 40 से 50-55 साल का लगभग एज हो जा रहा है यहाँ पर। तो मनुष्य का जो नॉर्मल देखते हैं कि 60 से 65 साल होता है, तो भाई जाहिर सी बात है शासक है, युद्धों को लड़ा है नियमित रूप से, तो कुछ ना कुछ उनकी समस्याएं दिनचर्याएं जो होगी वो तो प्रॉब्लम उसमें आएगा। तो 26 दिसंबर के डेट देखिए इंपॉर्टेंट डेट है इसमें, याद रखिएगा 26 दिसंबर की बात होती है, 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर को जो था, 26 दिसंबर को ये 1530 तक की बात हो रही है, तो 26 दिसंबर 1530 को जो था ये बाबर की मृत्यु का डेट है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर 1530 को जो था बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर बात एक निकल कर आती है महत्वपूर्ण रूप से, तो यहाँ पर 26 दिसंबर 1530 को तो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है कि भाई इनको तो दफनाया जाएगा, तो दफनाने का जो काम किया गया ये नूर बाग एक कहा जाता है आगरा में एक जगह है, आगरा में भाई दफनाया गया था, ठीक है ना। तो नूर बाग एक है वहाँ पर इनको दफनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, लेकिन पूछता नहीं कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हाँ जो बाबर थे तो बाबर को जो पहली बार जब दफनाया गया था, तो वो पहली बार जब दफनाया गया था देखिए जो उनके शव को तो नूर अफगान बाग में सब दफनाया गया था, ठीक है। उसको याद रखिएगा नूर अफगान बाग में, तो यहाँ पर जो आगरा में प्लेस है नूर अफगान बाग, तो वहीं पर दफनाया गया था। लेकिन बाद में देखिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मान लेता क्योंकि पूछता नहीं कभी, ठीक है। लेकिन बाद में जो था देखिए जो भाई ऐसी बात है कि अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, काबुल है, तो उसका लगाव जो था वो काबुल से बहुत ज्यादा था, किसका,
बाबर का। तो बाद में देखिए बाबर को जो दफनाया गया, कहाँ पर दफनाया गया रिलेशंस, याद रखिएगा दफनाया गया जो वो काबुल में दफनाया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, याद रखिएगा। कहाँ से, आगरा में जो नूर अफगान बाग था वहाँ से फिर उसके शव को निकालकर ये जो दफनाया गया कहाँ पर दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बाबर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए किसी का पहले तो बात क्या, उसने कौन से युद्ध लड़े, कितने युद्ध लड़े, किसके मध्य लड़े, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपको कि कहाँ पर किस शासक को कहाँ पर दफनाया गया, ये इम्पोर्टेंट बात आती है निकल कर इसमें। और कुछ महत्वपूर्ण रूप से अगर बात करते हैं, मैंने देखिए पहले लिखवाया था जब मैंने आप लोगों को, तो उसमें मैंने भाषा लिखवाया था, देखिए यहाँ पर भाजशा B1 B2। तो देखिए यहाँ पर तो बात हो रही है, यहाँ पर इसकी तो बात हो गई, बाबर की बात हो गई। अब बाबर का जो उत्तराधिकारी बनेगा कौन बनेगा, इधर से तैयार हो रहा है, कौन तैयार हो रहा है, हुमायूं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात चर्चा में जो आएगा दूसरा विषय वो हुमायूं की बात होगी हम लोगों की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें, एक दो बातें और हो जाए। देखिए ये एक चर्चा का विषय इम्पॉर्टेंट इसमें एक है, बाबर की एक लड़की थी, पुत्री थी, बाबर की पुत्री का नाम याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पूछता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नाम है गुलबदन बेगम, नाम इतना जबरदस्त है तो व्यक्ति भी जबरदस्त ही रहा होगा, गुलबदन बेगम, ठीक है। तो इस ये जो लड़की पुत्री इसकी रही है बहुत चर्चा में रही है, और क्यों चर्चा में रही है, पहली बात तो उस अपने समय की ये बहुत तारीफ होती है, सुनने को मिलती है, इतिहासकार बताते हैं कि बहुत ही सुंदर रूप के बात करते हैं, तो जैसे भी जो भी अपना यहाँ पर वो तो इतिहासकार ही जाने। तो गुलबदन बेगम के बारे में अगर हम लोग और भी बातें करें तो देखिए ये मुख्य रूप से जो था भाई जाहिर सी बात है हुमायूं की बहन है, तो हुमायूं नामा को देखिए इसने रिलेशंस लिखा है, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है, हुमायूं नामा को लिखा हुआ है, इसलिए देखिए ये नाम जो होता है ऑटोमेटिकली जो है इम्पोर्ट हो जाता है, कौन, गुलबदन बेगम का, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का लिखा था, और देखिए तुजुके बाबरी जो रोडों को मापने के लिए पैमाना बनाया गया था उसमें उस समय तो यहाँ पर देखिए गज ए बाबरी कहा गया था उसको, गज ए बाबरी, ठीक है। तुजू के बाबरी तो यहाँ पर बाद में जो आपके यहाँ पर जो लेखक थे महत्वपूर्ण पैदा हुए थे उनका जिनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, उन्होंने तुजू के बाबरी को लिखा हुआ था फारसी भाषा में। और देखिए बाबर जो था बाबर, तो बाबर का बाबरनामा लिखा गया है, बाबरनामा, बाबरनामा, और ये लिखा जो गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तुर्की भाषा में। तो ये जो बाबरनामा लिखा गया है वो बाबर के द्वारा लिखा गया था, और ये किसमें लिखा गया था, तुर्की में। और इसी का भाई जाहिर सी बात है अगर उसके पूर्वज है तो उसके पूर्वज कोई भी अगर है बाद में जो सत्ता आएंगे तो वो अपने पूर्वजों का फिर से अनुवाद कराते हैं। तो देखिए फारसी में इसी को तुजुक ए बाबरी कहा गया, ठीक है, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना लिखा था, ठीक है। बाबरनामा चाहे कहा जाए चाहे तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तो ये जो है इसको किसने लिखा हुआ है, अब्दुल रहीम खान खाना लिखा हुआ है इसको। और ये जो लिखा गया था अब्दुल रहीम खान का, ये भी अभी आएगा, देखिए आगे नाम अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नाम है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी आगे आप लोगों का नाम देखने को मिलेगा सुनने को। तो तुझु के बाद भी अब्दुल रहीम खान खाना, और इसने किस भाषा में लिखा हुआ था इसको, फारसी भाषा में, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो पुत्री है इम्पोर्टेंट आती है, बाबर की पुत्री जो है गुलबदन बेगम क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा जो था वो क्या लिखा गया था, हुमायूं नामा की रचना की गई थी, ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आया है। और सड़कों को मापने के लिए मैंने पहले ही बताया कि गज के बाबरी का प्रयोग किया जाता था। तो बाबर से रिलेटेड जितने भी बातें हैं दोस्तों आप लोगों के साथ एकदम अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। इससे ज्यादा जो बहुत डिटेल में आप लोग को बाबर के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चंगेज खान के जो पूर्वज थे या तो मिर्जा हो जाए कि जो पुत्री पुत्री पुत्र के रूप में, ये कोई मान नहीं रखता है, मान जो रखता है आपका मेन यहाँ पर देखिए इसकी जो चार युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर को दफनाया कहाँ गया ये इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा इसका जन्म का याद रखिए, फरगना का ये शासक था इस बात को याद रखिए किसका किसका किसके साथ युद्ध हुआ और मरा तो पहले, ये देखिए पॉइंट है फैक्ट है, जब बड़े एग्जाम में आप बैठते तो कभी कभी वहाँ पूछता है कि आगरा के नूर बाग नूर अफगान बाग में दफनाया गया था, बाद में इसको क्या किया गया, काबुल में दफना दिया गया, तो ये कभी कभी बड़े एग्जामों की बात होती है। और मृत्यु तो जान रहे 1530 में, ठीक है। ये तो बात हो गई आप लोगों की क्लास की, ठीक है, ये पूरा पूरा बाबर के बारे में इसमें जितना उसका चिट्ठा था उसमें पूरा बात किया गया। अब देखिए इसी के बारे में देखिए बात होती है तो मैं थोड़ा जगह ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जब बात होती है तो कभी कभी यहाँ पर ये भी कहा जाता है इसको साक्षी के रूप में भी याद करते हैं लोग ना, पानी पिया ना, देखिए यह क्या है, पानी पिया खाना खाया चाय पिया घर गया,
देखिए इस बात को याद रखिएगा, पानी पिया ना, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया ना, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, चाय पी और घर गया, घर गया, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, मर गया। ठीक है, ऐसे इसको एक ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया। तो बताने का मतलब क्या है, पानी पिया का मतलब क्या है, पानीपत याद रखिएगा कि पहला युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत 1526, खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, फिर इसमें भी जीता वो, चाय पी का मतलब चंदेरी का युद्ध, ठीक है 1528, और यहाँ पर घर गया, घर का मतलब घाघरा का युद्ध, ये 1529, और घर गया, मर गया 1520 में इसकी मृत्यु हो गई। तो पानी पिया, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया, मर गया। तो ऐसे आप इसके चारों युद्धों को और इसकी मृत्यु को भी आप याद रख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में चीजें आप लोग को मिल रही है डियर फ्रेंड्स, उसका भरपूर लाभ उठाइए और इस चैनल की हेल्प के बस आपको एक काम करना है, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। एक डियर फ्रेंड्स, हम लोग का इंपॉर्टेंट नंबर है 950-690-285-7। इस नंबर को जो है अपने जो भी डियर फ्रेंड्स है तैयारी करने वाले हैं, जिनके भी देखिए यूपी ट्रिपल एससी आने वाला है और भी कोई जो पुलिस वगैरह तैयारी करने बच्चे जो हैं या तो जितने भी आप लोग जो भी सिविल के लिए अपनी तैयारियां करते हैं या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, एंट्रेंस वगैरह की बात करते, देखिए तो जो आपका मुगल साम्राज्य है ये तो पूरा इतिहास में है, आप लोग का 12th ग्रेड में भी तो अच्छा 12th वाले बच्चे अगर देखते हैं इसको तो उनका लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, यहाँ पर से वो देखते थे तो मैं उनको बाद में नोट्स भी उनको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोग को एक काम करना है कि डियर्स यही मेरी फीस भी है तो 950-690-285-7 इस नंबर से सभी डियर्स को अवगत कराएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।